हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के तर्ज पर ही कटघोरा के राजा गणेश जी का पंडाल जो है इस बार बनाया गया है। गणेश जी का पंडाल बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है। आप ज़रूर एक बार जाके ज़रूर दर्शन करिए और खूबसूरत पंडाल का अवलोकन भी कर सकते हैं। कुसमुंडा से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और कोरबा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ कुसमुंडा से कटघोरा की ओर। बारिश का मौसम होने के कारण आसपास हरे भरे पेड़ और सुंदर दृश्य दिखते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं बांकी मंगरा। आइए, ये बांकी मंगरा के चौक हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक तरफ सिद्धिदात्री देवी जी का मंदिर है और सामने हनुमान जी का दरबार है और जस्ट उसके बगल में गणेश जी की स्थापना हुई है। ये बांकी मंगरा का गणेश जी हैं। अब यहाँ से आगे कटघोरा की ओर हम प्रस्थान करते हैं और रास्ते में आपको मैं गणेश जी के बारे में बताता चलता हूँ। हिंदुओं के प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी हैं और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम श्री गणेशाय नमः का उच्चारण करते हैं, अर्थात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर किया गया कार्य हमेशा शुभ फलदायक होता है। इसलिए हम श्री गणेश जी का नाम लेकर ही कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की ही पहली पूजा होती है जो अभी हम कर रहे हैं पूरे भारत में सर्वत्र। हम कटघोरा के गणेश पंडाल को पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं वृंदावन के तर्ज पर, वृंदावन के प्रेम मंदिर के तर्ज पर बना हुआ यह पंडाल बहुत ही खूबसूरत है। इस सामने गणेश जी का पंडाल दिख रहा है और हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। लोग यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर जैसा दृश्य है। ये हनुमान जी हैं सबकी रक्षा करने वाले। देखिए हूबहू अद्भुत दृश्य वृंदावन के प्रेम मंदिर जैसा। एक बार इस मंदिर के, इस पंडाल के दर्शन अवश्य करिए आप सभी। गणेश जी की पूजा करने से बिना किसी विघ्न के कोई भी कार्य संपन्न हो जाता है और गणेश जी की पूजा से सारे वित्तीय कार्य सफल एवं आर्थिक स्थिति से भी सुधार हो जाता है। व्यक्ति का कल्याण एवं घर परिवार में सुख शांति आती है गणेश जी की पूजा करने से। गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है गजमुख, हाथी के सिर वाले देवता। इस रूप में गणेश जी को बुद्धिमत्ता, शक्ति और आदिशक्ति के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। रीति रिवाज से गणेश जी की पूजा करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अंदर जाने पर अद्भुत दृश्य, बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाले लाइटिंग की व्यवस्था के साथ सामने में गणेश महाराज विराजमान हैं,
कटघोरा के राजा गणेश जी को एक विशेष प्रकार की मिठाई मोदक, जिसे एक विशेष प्रकार से बनाया जाता है, अति प्रिय है। गणेश जी के अग्रभाग में मुख चिन्ह, गणेश जी के मुख पर एक मुस्कान होती है जो उसकी स्वास्थ्य, संतोष और सहानुभूति का प्रतीक है। गणेश जी के साथ ही शिवलिंग भी होता है, जो उनके पिता भगवान शिव जी का प्रतीक है। गणेश जी को आपको सभी को ये मालूम है, जैसा कि गणेश जी को लड्डू भी विशेष प्रिय होते हैं, जो खुशी, समृद्धि और सुख का प्रतीक है। भगवान जी एवं पार्वती जी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवी देवता हैं, आदि देव भी कहे जाते हैं, जिसे हम उच्चारण करते हैं हर हर महादेव के रूप में। भगवान गणेश जी सामने विराजमान है। आप सभी भक्तों को श्री गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है। अद्भुत दृश्य, मन मोह लेने वाला, एक बार जरूर दर्शन करें आप। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। मैं जब यहां देखने के लिए गया तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना सुंदर, इतना अद्भुत दृश्य। मैं बार बार अंदर जाता था, फिर फिल्म आता था, फिर बाहर आता था, लेकिन यहां से निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। श्री गणेश आय नमः, श्री गणेश आय नमः, श्री गणेश आय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणेश जी के दर्शन करके आप बाहर जैसे आएंगे, हनुमान जी सबकी रक्षा में यहाँ पर उपस्थित हैं। सबकी रक्षा करने वाले हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी सामने में ही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियोज़